Everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. So I'm Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the part 6 of our chapter number 1, that is chemical reactions and equations of our class 10th. So we have covered 5 parts of this video and we are just left with 1 part, right? So Before watching this part, please go and watch the other parts of this chapter and then come back to this part. So I have given the links of those parts in the description box. Okay, so kindly go and watch those parts and then come back to this part. And then go and read your NCERT book, because I'm following your NCERT book, right? So let's start with our video. So under this video, what we are going to study, we are going to do the other types of the chemical reactions. So what are left? One is displacement reaction, then is double displacement reaction, then is precipitation reaction, and the last one is neutralization reaction. So sabse pehle hum log start karne wale hain displacement reactions. So displacement reaction ka kya matlab hai? डिस्प्लेस कर देना, इसका नाम, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है. तो जब डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हिला देना, ठीक है, अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखें कि किसी को हम जैसे कोई दो लोग बैठे हैं, दो लोग इकट्ठे बैठे और एक अकेला बैठा है, वो अकेला बंदा उन दोनों में से जाके एक को उठा के साइड पे कर दे और खुद उसके साथ जाके बैठ जाए, दैट इज उसने उसकी जगह को डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो लेट्स सी इन दिस. आप देखिए, जैसे ये बी और सी इकट्ठे बैठे और ए अकेला बैठा है. अब ए ने क्या किया, बी को हटा दिया और सी के साथ जाके बैठ गया. तो बी तो अब अकेला हो गया और सी ए के साथ कंबाइन कर, यानी कि ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, ए ने बी को हटा के सी के साथ जाके बैठ गया, यानी कि अब कंपाउंड क्या बन गया, ए सी प्लस बी. पहले क्या था, ए प्लस बी सी, अब क्या बन गया, बी प्लस ए सी. ठीक है, अब आप इस एग्जाम्पल में देखिए कि जब जिंक, ठीक है, ये जिंक है, यहाँ पे जिंक है, ये रेड कलर का, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर का है कॉपर, और ये है सल्फेट. ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इकट्ठा है, जिंक अकेला है. तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर अब अकेला हो गया और खुद क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया. ठीक है, सो जिंक बिकॉज ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया और कॉपर इंडिविजुअली रह गया. सो व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव कंपाउंड ऑफ लोअर रिएक्टिविटी, यू हैव टू मेंशन दिस पार्ट, लोअर रिएक्टिविटी, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट कैन डिस्प्लेस द पोजिशन ऑफ कॉपर, राइट. तो अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिल्वर नाइट्रेट में जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट किया, इसने क्या किया, यहाँ पे सिल्वर को हटा के सिल्वर को हटा दिया और खुद नाइट्रेट के साथ जाके लग गया. सो बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो जिंक सिल्वर को इजिली डिस्प्लेस कर सकता था. ठीक है, तो ए जी एन ओ थ्री प्लस जिंक क्या बन गया, अब जेड एन एन ओ थ्री प्लस ए जी. सो ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो, जहां पे दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स डिस्प्लेस हो जाए दूसरे एटम से, दूसरे ग्रुप ऑफ एटम से. यानी कि अब देखिए, पहले अकेला ए था और बी सी इकट्ठे थे, अब क्या हो गया, ए बी एक साथ बैठे हैं, सी डी एक साथ बैठे हैं, बट डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है. ए और सी जो है वो एक जैसे हैं, पॉजिटिव हैं, कैटाइन्स हैं. बी और डी जो है वो एक जैसे हैं, एनायन्स हैं. तो ए
ए ने अब क्या किया, ए यहाँ पे सी की पोजीशन पे सी को हटा दिया, ए क्या बन गया, ए डी बन गया और सी कहाँ पे आ गया, बी के साथ जुड़ गया। ए और सी ने अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर ली, जब दोनों ने अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर ली तो ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ए बी प्लस सी डी था, अब क्या बन गया, ए डी प्लस बी सी, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए बी ए सी एल टू प्लस एन ए टू एस ओ फोर है, ठीक है। अब बेरियम यहाँ चला जाए और सोडियम यहाँ चला जाए तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, दो दो ग्रुप ऑफ एटम्स ने डिस्प्लेस कर दिया अनदर ग्रुप ऑफ एटम्स, सो दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह की होती है, वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड अनदर वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो लेट्स सी व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाए, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें जब कैटाइन्स और अनायंस एक्वस सॉल्यूशन में कंबाइन करके एक सॉलिड सा स्ट्रक्चर दे दे, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में ये एनायंस भी है और कैटाइन्स भी है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पे ये डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये येलो कलर का जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये प्रेसिपिटेट्स है, ये प्रेसिपिटेट्स की जो फॉर्मेशन हो रही है ये बताती है कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो जिस रिएक्शन में एनायंस और कैटायंस एक्वस सॉल्यूशन में कंबाइन करके एक इनसॉल्यूबल आयनिक सॉलिड की सॉलिड को बनाए, जिसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट जब NaCl के साथ कंबाइन करता है तो सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 फॉर्म हो जाता है, तो इसके प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो ये एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसने डिस्प्लेस कर दिया और प्रेसिपिटेट्स फॉर्म कर दिए, वो डिसॉल्व नहीं हुए, वो एक इनसॉल्यूबल कोई सॉलिड सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया जो कि प्रेसिपिटेट्स को दिखा रहा है कि वो प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। देन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। इसमें क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन में एक एसिड और एक बेस, ठीक है, एक एसिड और एक बेस कंबाइन करके सॉल्ट बनाते हैं, साथ में वाटर फॉर्म करें, सॉल्ट बनाते हैं साथ में वाटर फॉर्म करें, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो इसमें भी क्या होगा, ये NaCl बन जाएगा और ये H2O बन जाएगा, यानी कि हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही रही है, बट इसमें जरूरी क्या है, एन एसिड एंड अ बेस कंबाइन टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड फॉर्म वाटर, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑलवेज रिमेंबर दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। So it will come in your next chapter as well. So I'm going to ask you what is neutralization reaction. Then you should remember this thing. Then an acid and a base combine to form salt and water. So that is called as a neutralization reaction. So it's a double displacement reaction. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? Displacement reaction पढ़ी, double displacement reaction पढ़ी, neutralization reaction पढ़ी और precipitation reaction. तो अभी तक हम लोग कौन सी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। सेकंड हमने पढ़ी थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक प्रोडक्ट, एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल ब्रेक करके सिंपलर प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो रहा है। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखा था हमने, कि यहाँ पे एक मोर रिएक्टिव कंपाउंड लेस रिएक्टिव कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देगा उसकी पोजीशन से, तो खुद जाके उसकी पोजीशन पे लग जाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखा था हमने, कि दो ग्रुप ऑफ एटम्स दूसरे ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है।
सो कंबशन रिएक्शन, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है और जो एनर्जी को रिलीज आउट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन. ओके, सो दिस कवर्स योर पार्ट 6th पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको इकट्ठी होती है तो रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं. और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज करोजन एंड रेंसिडिटी. करोजन क्या होती है और रेंसिडिटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके वेज देखेंगे कि उनको कैसे प्रिवेंट किया जाता है. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. So you receive all the further notifications about the next videos. Thank you so much. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Till then.